स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। एक सवाल जो मैं बड़े साल से सोच रहा था आपसे पूछूं मैं कभी पूछ नहीं पाया। जब वो 2002 नेटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल हुआ, दादा ने जब जर्सी उतारी, टी शर्ट उतारी, आपको टेम्पटेशन थी उस वक्त उतारने की? मैंने टी शर्ट उतारी, मैंने नीचे एक और टी शर्ट डाली हुई थी। मैं बच गया क्योंकि इंग्लैंड में ठंड थी ना, तो मैं एक्चुअली बच गया। मेरी व्हाइट टी शर्ट के फोटोज हैं उस टाइम पर। तो आपने मतलब वो नीली उतार दी थी और नीचे गलती से व्हाइट थी एक और। हाँ, तो एक्चुअली मैं बच गया, वो किसी ने नोटिस नहीं किया। बच क्या गया, आप होते तो फिर मतलब दोनों हो जाते ना। दादा और आप दोनों होते, बिना जर्सी के होते, बड़ा टी शर्ट। पर वो बहुत बड़ा मूवमेंट रहा होगा ड्रेसिंग रूम के लिए। बिल्कुल, आई थिंक इंडिया उससे पहले 9 फाइनल्स हार गई थी और हमारी रेपुटेशन कुछ इंडिया के बाहर अच्छी नहीं थी कि हम इंडिया के बाहर अच्छा नहीं खेलते। और नए लड़के आए थे टीम में, दादा ने बहुत बैक किया था उस टाइम। यू नो, मुझे, कैफ को, जैक, हरभजन, नेहरा, सहवाग। सो इट वाज अ न्यू टीम प्लेइंग आउटसाइड ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम। एंड आई रिमेम्बर के जब इंग्लैंड ने 335 रन बनाए या 325 रन बनाए, तो जब हम बाहर आए तो वी वर प्रीटी डाउन कि 325 टारगेट उस टाइम पे चेज करना बहुत डिफिकल्ट होता था। एक बॉल से बॉल एंड में रिवर्स होता था। वो ये फाइनल इन इंग्लैंड। बिल्कुल, तो किसी ने कोई जरा बात नहीं की, जस्ट खेले जाकर। और मुझे याद है कि हमें स्टार्ट तो बहुत अच्छा मिला, लेकिन जब मैं सचिन के साथ बैटिंग कर रहा था और सचिन आउट हुआ, तो इंग्लैंड का सेलिब्रेशन ऐसा था कि वो मैच जीत गए। मतलब दे वर हगिंग ईच अदर, उनकी बातें शुरू हो गई। और आई रिमेम्बर के क्राउड ऑलमोस्ट 50% स्टेडियम खाली हो गया, सब इंडियंस चले गए। ओहो। और मुझे भी ऐसा फीलिंग है कि सचिन आउट हो गया तो हार ही गए हम, क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसे ही होता था। सचिन आउट हुआ, सौरभ आउट, ऊपर से आउट हुए 3-4, तो खत्म मैच। तो मोहम्मद कैफ आया बैटिंग करने, तो कैफ ने मैंने कैफ को बोला, ऐसे मुक्का मारा और कैफ ने बोला, हाँ खेलेंगे। मैंने कहा हाँ खेलेंगे। So I don't know, because we were very young और under-19 खेले हुए, हमारी running between the wickets, we ran really well and suddenly we were hitting the ball really well. थोड़ा मैं जरा attacking खेल रहा था क्योंकि मैं obviously जरा set था। और वहां से दादा ने dressing room से आवाज मारी, कैफ ने 1-2 बॉल आई थिंक डॉट खेल दी और दादा ने वहां से आवाज मारी ऐसे करके ना, एक एक उसको एक दे। He was saying to us that कैफ तो यूवी को स्ट्राइक दे। अच्छा। और एलेक्स टूडर ने अगली बॉल की और कैफ ने पुल पे छक्का मार दिया। अच्छा। और कैफ ने आके मुक्का मारा, मुझे बोला अरे हम भी खेलने आए हैं। तो एंड आई थिंक कैफ बैटेड ब्रिलियंटली आफ्टर दैट। जब मैं आउट हुआ, आई थिंक ही प्रॉब्ली हिज बेस्ट नॉक ऑफ हिज करियर, आई वुड से वन ऑफ माय बेस्ट नॉक इन माय करियर एज वेल। अगर थोड़ी ज्यादा अकल होती उस टाइम पर, ज्यादा एक्सपीरियंस होता तो शायद 100 बना के आता।